अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका होस्ट कासिम अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कासिम अली शो। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज इस वीडियो में जो आप जानते दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आप दोस्तों ये बताऊंगा कि इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका कार, कितनी वैकेंसीज हैं, किस पोस्ट की ये वैकेंसीज और इनके लिए एज क्या होनी चाहिए, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो ये तमाम मालूमात मैं आप दोस्तों से इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं इन जॉब्स की तफसीलात की जानब। तो नाज़रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सप्रेस एंड द नेशन, ये जो जॉब्स आई हैं ये एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और द नेशन न्यूज़पेपर में आई हैं ये जॉब्स 29/4/2022 को। इसके अलावा जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है उसे भी ये जॉब्स दी हुई हैं, आप वहाँ से भी ये जॉब्स देख सकते हैं। तो इसमें जो पहले नंबर पे दी गई है वैकेंसी, ये आप ऊपर एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, 12/2022 पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये लेक्चरार की जॉब्स हैं, लेक्चरार फीमेल, इसका बीएस 17 है और ये रेगुलर बेसिस पे है। इसमें जो लेक्चरार उर्दू की हैं ये 184 वैकेंसीज़ हैं, 166 वैकेंसीज ओपन मेरिट में, माइनॉरिटी कोटा की 9 वैकेंसीज हैं, स्पेशल परसेंट कोटा 9 है, टोटल 184 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा लेक्चरार जो एजुकेशन की हैं वो 170 वैकेंसीज हैं, 156 जो हैं वो ओपन मेरिट में हैं, 8 वैकेंसीज माइनॉरिटी की हैं और 8 वैकेंसी जो हैं वो स्पेशल परसेंट कोटा की हैं। इसी तरह लेक्चरार जो इस्लामियात है उसकी 184 वैकेंसीज हैं, 175 वैकेंसीज ओपन मेरिट में हैं, जबकि स्पेशल पर्सन कोटा जो है वो 9 वैकेंसीज हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। इसके लिए जो एज होनी चाहिए वो 38 साल तक होनी चाहिए, 21 से 28 साल होनी चाहिए, जबकि 10 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है, 38 साल तक इसकी एज होनी चाहिए। और जेंडर जो है फीमेल एंड शीमेल, फीमेल एंड फीमेल ट्रांसजेंडर, और डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन दी पंजाब। इसके अलावा जो इनका रिटर्न टेस्ट होगा वो आप दोस्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 80% होंगे, जबकि क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल एबिलिटी, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, तो 20% जो है वो क्वेश्चन यहाँ से होंगे। इस तरह नाजरीन, जो दूसरे नंबर पे वैकेंसी दी गई ये लेक्चरार मेल की है, इसका भी बीएस 17 है और ये भी रेगुलर बेसिस पे हैं। इसमें जो लेक्चरार बायोलॉजी चाहिए उसकी टोटल 19 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे 17 हैं, माइनॉरिटीज़ कोटा 1 है, जबकि स्पेशल कोटे पे स्पेशल पर्सन कोटा उसकी 1 वैकेंसी है। इसी तरह लेक्चरार उर्दू की टोटल 54 सीट्स हैं, 54 वैकेंसीज़ हैं, ओपन मेरिट पे 49 हैं, माइनॉरिटी कोटा 3 हैं, जबकि स्पेशल पर्सन कोटा की 2 वैकेंसीज़ हैं।
इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। और इसके लिए जो एज होनी चाहिए वो 28 साल होनी चाहिए, 21 से 28 साल, जबकि 7 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है तो 35 साल तक जो है वो एज होनी चाहिए। जेंडर जो है मेल एंड मेल ट्रांसजेंडर, जबकि डोमिसाइल जो पंजाब का होनी चाहिए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एनी वेयर इन दी पंजाब। और इसका जो टेस्ट का तरीकाकार है इसमें भी वही है, क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 80% होंगे, जबकि क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल एबिलिटी, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, तो यहाँ से 20% जो है वो क्वेश्चन होंगे। तो इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे वैकेंसी दी गई ये जूनियर क्लर्क की है, इसका बीएस 11 है, इसकी टोटल 6 वैकेंसीज हैं। और वुमेन कोटा की 2 हैं, माइनॉरिटीज़ कोटा की 1 है, जबकि एम्प्लॉयज़ सन कोटा की 3 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और टाइपिंग स्पीड जो है वो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज जो है वो मेल के लिए 32 साल होनी चाहिए और फीमेल के लिए 35 साल होनी चाहिए विद जनरल एज रिलैक्सेशन। और जेंडर जो है मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, और डोमिसाइल जो होना चाहिए वो ऑल पंजाब बेसिस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट गुजरावाला रीजन, इन इदारों में जो है वो आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और इस पे जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 23 मई 2022 है, जैसा कि आप दोस्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 23 मई 2022, तो 23 मई 2022 तक जो है वो आप दोस्त इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों के पास मास्टर डिग्री है उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन चांस है, ये क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में ये वैकेंसीज दी गई हैं। और तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि तमाम दोस्तों को जो है वो बरवक्त इंजाब से आगाही हो सके। अल्लाह हाफिज़।